गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज नथिंग बट एडवांस्ड लेवल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस्ड लेवल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स में हम ये डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेरा साइन एक्स का ग्राफ है. ठीक है, मान लो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है. ठीक है, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. लिखा है वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ. Now, if I try to draw the tangent at origin, अगर मैं इस ग्राफ पे ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ठीक है, मैं इसका पूरा ग्राफ बना रहा हूँ. सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट ओरिजिन, इसका मतलब क्या है? मुझे dy by dx निकालना होगा एट 0,0, दैट इज नथिंग बट cos x. एट 0 इट विल बी 1. तो अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखो हर एक पॉइंट पे जो इसका टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा? cos x. अब cos का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, मतलब यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा एक, वो इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है, देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, ये ओरिजिन है आपका, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है. अब आप बोलेंगे सर ये इसके ऊपर कैसे चला गया, हमको पता चलेगा. देखो जब मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, सी टेंजेंट ऐसे नहीं होता कि वो कर्व को कट नहीं कर सकता. ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू ड्रॉ अ टेंजेंट, इट कट्स द कर्व, है ना, इट इज पॉसिबल. बट इन दिस केस इट विल नॉट कट द कर्व बट इट विल लाई अबव द कर्व. हाउ डू आई नो दैट? इस लाइन का स्लोप क्या है? 1 है. ठीक है, पहले इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं आप. कैसे निकालेंगे? y माइनस पॉइंट ऑन दिस लाइन इज 0, x माइनस 0 एंड स्लोप इज 1. तो y इक्वल टू x, आपके पास इसका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू x है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका लाइन का स्लोप आपके पास 1 है ना. अब आपके पास स्लोप अवेलेबल है इस कर्व का, आप इस कर्व पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. यू ड्रॉ टेंजेंट ओवर हियर, यू ड्रॉ टेंजेंट ओवर हियर, यू ड्रॉ टेंजेंट ओवर हियर, एनीवेयर यू ड्रॉ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स. अब कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे, कॉस का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होगा, मतलब इसके ऊपर मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप 1 से छोटा होगा. अगर उसका स्लोप 1 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया उसका एंगल छोटा होगा. दिस इज व्हाट डू आई मीन. ठीक है, तो अगर मैं 0 से पाई बाई 2 की बात करता हूं, तो यहां पे इसका एंगल अगर 45 है, तो बाकी हर एक पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका एंगल 45 से छोटा होगा. ठीक है, तो अगर एंगल छोटा है मतलब कर्व इससे नीचे लाई करेगा. इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका स्लोप इससे छोटा है, मतलब इसके नीचे लाई करेगा कर्व. तो मुझे पता चला वाई इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो साइन एक्स के ऊपर है. Yes? तो अगर मैं 0 प्लस पे बात करूं, देखो यहां 0 पे तो दोनों इक्वल है. ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 साइन x और x का ग्राफ इक्वल है, तो ये आपका नोट 1 हो जाएगा. व्हाट इज योर नोट 1? नोट 1 आपका ये बोल रहा है कि साइन x x के बराबर होगा जब x का वैल्यू 0 होगा. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो इसके ऊपर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई वही वैल्यू करेगी एक्स की जिसके लिए साइन का आर्ग्यूमेंट 0 हो रहा होगा. देखो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो उसके आर्ग्यूमेंट के बराबर कब होगा? जब वो आर्ग्यूमेंट 0 के ऊपर होगा. ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मेरा 0 होगा, मतलब x का वैल्यू प्लस और माइनस 3 आ जाएगा. तो इस इक्वेशन को हम हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे. अगर आपके पास कुछ ऐसे लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये कब होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 को टेंड करेगा, जब ये वैल्यू 0 को होगी, है ना, दिस वैल्यू 0. अब आपको पता है ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स इमेजिनरी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो रियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो साइन का वैल्यू उसके आर्ग्यूमेंट के बराबर कब होगा? जब वो आर्ग्यूमेंट 0 को टेंड करेगा या आर्ग्यूमेंट का वैल्यू 0 होगा. ठीक है, तो जब इसका वैल्यू 0 होगा, पता है ये इमेजिनरी है, कभी 0 नहीं हो सकता, तो नो रियल सॉल्यूशन फॉर दिस. अब जब नो रियल सॉल्यूशन इसके लिए, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो यहां से हमको ये सॉल्व करने का तरीका पता चला कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स का जब भी एक्सप्रेशन होगा उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा,
वो आर्ग्यूमेंट को जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, यहां से हमको मिलने वाली सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज योर सेकेंड नोट ओवर हियर? आई विल राइट इट ओवर हियर। देखो सेकेंड नोट क्या है, देखो एक्स का ग्राफ है वो हमेशा साइन एक्स के ऊपर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लेट्स डू द एनालिसिस, यहीं तक के लिए कर लेते हैं ना। देखो आप पूरे ग्राफ में अगर देखना चाहते हो पूरे ग्राफ में भी लिख सकते हैं, अगर पाई बाई टू तक करना चाहते हैं तो पाई बाई टू तक भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेट्स राइट इट इन द जनरल वे, क्योंकि हमको जो एनालिसिस करना है वो जीरो पे ही करने वाले हैं। जो भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे वो जीरो प्लस और जीरो माइनस पे लेंगे, क्योंकि अभी हम लिमिट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट इफ यू सी द ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो मैं हमेशा क्या बोल सकता हूं, मेरा एक्स जो है वो साइन एक्स से बड़ा है, कब के लिए? जीरो से हर वैल्यू के बड़े के लिए। तो मैं लिख सकता हूं एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल पार्ट ऑफ एक्स। तो हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, हर रियल पॉजिटिव के लिए एक्स साइन एक्स से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स, मैंने क्या किया दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर लिया, तो साइन एक्स बाय एक्स मेरा वन से छोटा आ गया। तो ये आपको याद रखना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर प्लस, साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू हमेशा वन से छोटा होता है। अब आप बोलेंगे सर जीरो पे तो वन है, जीरो पे वन है लेकिन वो अप्रोचिंग वन है, ठीक है। और यहां से मुझे क्या पता चला, साइन एक्स बाय एक्स हमेशा वन से छोटा होता है। साइन एक्स एक्स के बराबर कब होगा? जब जीरो होगा। तो यहां पे जब जीरो हो जाएगा तब आंसर वन की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन वन, फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू नो। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस साइन एक्स बाय एक्स, तो ये हमेशा वन होता है। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड में पूछा जाए, ये वन होता है, फाइनल लिमिट का वैल्यू हमेशा वन होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली वन माइनस होती है। लेकिन जब मैं लिमिट लिखता हूं तो फाइनल आंसर मेरे पास वन आता है। तो जब भी अगर आपसे कोई एग्जामिनेशन में पूछता है तो आपको आंसर तो वन ही लिखना है, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये वन माइनस होता है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं लिमिट का आंसर लिखता हूं तो वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू होती है, वो अप्रोचिंग वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम सर ये कॉन्सेप्ट को कहां यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमको कहां हेल्प करेगा? तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, लेट्स राइट अ क्वेश्चन ओवर हियर, ये क्वेश्चन का सेट था, अब एक और क्वेश्चन का सेट देख लेते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ठीक है, और यहां लिखा है बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, अब मुझे एक चीज बताइए, साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या होता है? वन माइनस, मुझे यहां से पता है, ठीक है, वन माइनस होता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस का बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू वन माइनस इंडिकेट करती है, वो वन माइनस बॉक्स के अंदर जाएगी। ये कॉम्पोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपका एफ एक्स जो है वो साइन एक्स बाय एक्स है, जी एक्स वो फ्रैक्शन, जी एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स एक फंक्शन बन रहा है यहां पे, ठीक है। अब जब एक्स जीरो प्लस को टेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस हो जाएगा। अब वन माइनस का बॉक्स क्या होता है, जीरो। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा प्योरली जीरो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लिख दिया जाए, तो ये आपके लिए मान लेते क्वेश्चन वन था, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख दिया जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ये लिखा हुआ है पूरा बॉक्स के अंदर, साइन एक्स बाय एक्स। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस हुआ, जब लिमिट बॉक्स के अंदर था तब क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, वन माइनस। लेकिन लिमिट हमेशा आपको क्या वैल्यू देती है, इट्स अ फाइनाइट वैल्यू, तो ये वन देगा। अब वन का बॉक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट में आता है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। जब भी मैं लिमिट का फाइनल इवैल्यूएशन करूंगा वो मुझे एक फाइनाइट आंसर देगा, उससे पहले मुझे क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि वन प्लस होता है या वन माइनस होता है, ठीक है। सो दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, यहां पर आप देख लो एफ एक्स मान लो एक फंक्शन है जो कि है साइन एक्स, और एक फंक्शन है जी एक्स जो कि है बॉक्स एक्स। तो यहां लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब सॉरी ये साइन एक्स बाय एक्स है, तो लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी में जहां एक्स है वहां एफ एक्स लिखना है, तो ये बन गया बॉक्स ऑफ एफ एक्स। अब बॉक्स ऑफ एफ एक्स मतलब बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, तो ये हम वैसे इवैल्यूएट करेंगे जैसे हम कॉम्पोजिट फंक्शंस को करते थे, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, लिख लेंगे, ये आपका सेकेंड नोट है, देन वी विल बी गोइंग फॉर द थर्ड नोट।